वर्ल्ड कप 2023 का एक और बड़ा मुकाबला महामुकाबला साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला, जहां पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम अपना पहला मुकाबला हार कर आ रही थी और साउथ अफ्रीका जीत के आगाज के साथ कंटिन्यू करना चाहती थी, तो ऑस्ट्रेलियन अपना खाता खोलना चाहती थी। ये मुकाबला जहां पर पहले साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों का कहर देखने को मिला, ये मुकाबला जहां पर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज बेहताशा नजर आए, ये मुकाबला जहां पर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी लाइनअप की धज्जियां उड़ गई, ये वो मुकाबला जहां ऑस्ट्रेलिया बेहताशा नजर आया। लेकिन इस मुकाबले के दरमियान रोमांच की सारी हदें पार हो गई। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के साथ बेईमानी के आरोप लगे हैं और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। हम आपको बताएंगे कैसे साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित कर दिया। भारत से मिली हार के बाद अब लगातार ऑस्ट्रेलिया को दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। चलिए जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट और बताएंगे क्या सच में ऑस्ट्रेलिया के साथ बेईमानी हुई, क्यों स्टीवन स्मिथ नाराज थे, क्यों मार्कस स्टोइनिस नाराज थे। चलिए एक एक करके पूरा हाईलाइट बताते और बताते इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में क्या हाल, इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन, इंडियन फैंस, तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं और कमेंट बताएं फाइनल में आप कौन सी दो टीमें देखना चाहते हैं। खैर, ये जानेंगे कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने बेईमानी के आरोप लगाए हैं, बताएंगे आपको स्टीवन स्मिथ नाराज क्यों थे, बीच मैदान पर क्यों हंगामा हुआ। लेकिन उससे पहले जान लें इस मुकाबले का हाइलाइट्स। दरअसल इस मुकाबले में साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है। साउथ अफ्रीका की तरफ से बहुत ही शानदार शुरुआत क्विंटन डिकॉक और टेम्बा बाउमा के रूप में देखने को मिली। टेम्बा बाउमा के रूप में साउथ अफ्रीका को पहला झटका लगता है, लेकिन तब तक 100 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी। उसके बाद 50 रन की और पार्टनरशिप वंदर दोसें और क्विंटन डिकॉक के बीच में देखने को मिली। तारीफ करनी होगी क्विंटन डिकॉक की, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी वो बहुत ही कमाल की थी। 158 रन पर साउथ अफ्रीका के दो विकेट गए थे, लगा कि ये एक बार फिर 400 का आंकड़ा पार करेंगे। लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का शानदार कमबैक, क्विंटन डिकॉक 109 रन पर आउट हुए, अपना शतक पूरा किया और कहीं न कहीं 197 रन पर तीसरा विकेट, 263 रन पर चौथा विकेट गंवाती है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम। लेकिन उसके बाद विकेटों की झड़ी लग जाती है। जो 263 रन पर चार विकेट गवाए थे मार्करम का विकेट, जिन्होंने 56 रन बनाए, और उसके बाद 311 रन पर वो 50 ओवर में सीमित हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया ने एक शानदार कमबैक किया। जो 350 से स्कोर पार जा रहा था उसे ऑस्ट्रेलिया ने कम किया 311 पर। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की बात करेंगे तो मिचेल स्टार्क्स को सर्वाधिक दो विकेट, तो मैक्सवेल को भी दो विकेट मिले। रन चेज के बारे में, दरअसल रन चेज के बात करें तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की शुरुआत पर 27 रन पर पहला विकेट मिचेल मार्च के रूप में गिरता है, जिन्होंने 15 बॉल पर केवल 7 रन बनाए। आउट ऑफ फॉर्म मार्को जॉनसन उन्हें ले डेविड। उसके बाद डेविड वार्नर का भी विकेट चला जाता है और 27 रन पर ही दो विकेट। डेविड वार्नर जो कि एक खराब खेल दिखाते हैं, कुछ खास परफॉर्मेंस इस मुकाबले में भी नहीं कर पाए। उसके बाद 50 रन पर तीसरा विकेट स्टीवन स्मिथ के रूप में लगता है। स्टीवन स्मिथ जो LBW आउट हुए रबाडा की गेंद पर, वो जरूर कंट्रोवर्सी का विषय है क्योंकि वो बॉल बाहर जा रही थी, लेकिन जब अल्ट्राएज वो देखा गया तो गेंद पता नहीं कैसे स्टंप को हिट कर रही थी। खुद स्टीवन स्मिथ भी इस मामले को लेकर हैरान और एम्पायर भी। उसके बाद जॉस इंग्लिश आउट हो जाते हैं 56 रन पर चार विकेट। 65 रन पर पांचवा विकेट ग्लेन मैक्सवेल के रूप में, बहुत उदास दिखाई दिए ग्लेन मैक्सवेल उस दरमियान। 70 रन पर छठवां विकेट, बहुत ही कमाल की ये गेंदबाजी साउथ अफ्रीका की तरफ से देखने को मिली, जहां पर सर्वाधिक विकेट का किशोर रबाडा ने हासिल किए। इस मामले में उन्होंने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करी और ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेलने का काम किया है। और इस तरह से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को जो सातवां विकेट लगता है वो लगता है मिचेल स्टार्क्स का। 51 बॉल पर 27 रन की पारी खेली, उन्हें मार्को जॉनसन आउट करते हैं। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली थी और ऐसे करके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम उस लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई थी। लगातार विकेट चलते गए, हालांकि मार्नस लाबुसेन ने प्रयास जरूर किया, पैट कमिंस का एफर्ट देखने को मिला, लेकिन टारगेट का पीछा हो न सका क्योंकि बहुत बड़ा था। और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ता है। इस मुकाबले में मार्कस स्टोइनिस जिस तरह से आउट होते हैं, क्योंकि लगा कि वो बॉल ग्लव्स को लगी, लेकिन जब वो ग्लव्स को लगी तो वो बैट के संपर्क में था ही नहीं, फिर उन्हें आउट क्यों दिया गया, इसको लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट भी किया। ये डिबेट का विषय है, क्या ये वाकई में आउट था। और स्टीवन स्मिथ भी अपने विकेट को लेकर काफी नाराज दिखाई दिए। खैर, पॉइंट्स टेबल में भी ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है और अब ऑस्ट्रेलिया के बचे हैं 7 मुकाबले, उसमें से मस्ट विन मुकाबले हो जाते हैं, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया को एक दो और हार मिल गई तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे।